दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आया था मेरे सब्सक्राइबर का, जिन्होंने मुझसे पूछा सर मुझे 3 महीने हो चुके हैं, हड्डी कब तक जुड़ जाएगी। दोस्तों दूसरा कमेंट एक आया था मेरे सब्सक्राइबर का, जिन्होंने पूछा है कि सर मुझे 2 महीने से ऊपर हो गया है, क्या मैं चलना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आज हम इन दोनों टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके फ्रैक्चर के ऊपर और आपका ट्रीटमेंट के ऊपर, कैसा आपका फ्रैक्चर है, किस तरह से आपका ट्रीटमेंट हुआ, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों अगर आपका हल्का फुल्का फ्रैक्चर होता है तो आपको प्लास्टर लगा दिया जाता है। प्लास्टर लगाने के बाद लगभग 1.5 महीने से 2 महीने के बीच प्लास्टर हट जाता है, फिर डॉक्टर आपको हल्के फुल्के चलने के लिए इजाज़त दे देते हैं, बिना वेट के लिए चलने के लिए वो बोल देते हैं आपको। लेकिन आपको सर्जरी होती है तो इस केस में लगभग 45 दिन के बाद डॉक्टर आपको बिना वेट के चलने के लिए बोल देते हैं। मतलब दोनों केसों में आप चल तो सकते हैं 2 महीने में, लेकिन आप उस पर वेट नहीं डाल सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। वेट आप तभी डाल सकते हैं जब डॉक्टर आपको बताएगा कि अब आप वेट डाल सकते हैं और आपकी बोन इतनी स्ट्रांग हो गई है तभी, क्योंकि 2 महीने 2.5 महीने में बस कैलस बन पाता है, सॉफ्ट कैलस बन पाता है और हार्ड कैलस बन रहा होता है। तो उस केस में आप पैर पे लोड नहीं डाल सकते हैं, सपोर्ट के साथ आप चल सकते हैं, वो भी जब आपको डॉक्टर बताता है तब। आप अपनी मर्जी से ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो फिर आपको समस्या हो सकती है। ठीक है, तो आप एक बार डॉक्टर से राय ले लें, एक्सरे देख लें, वो आपको बताएगा आपको उस तरह से ही करना है। आप ज़्यादा जल्दी ना करें, ठीक है, क्योंकि 2 महीने से और 2.25 महीने में चलना स्टार्ट करना मुझे लगता सही नहीं होगा, इसलिए मैं इसकी इजाज़त आपको नहीं दे सकता, ना ही मैं इस बारे में आपको ये बता सकता हूँ कि आप चल सकते हैं। अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो फिर शायद ये गलत होगा। तो दोस्तों आप अपने डॉक्टर से राय लें, वो आपको बताएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्रैक्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं और आपके ट्रीटमेंट के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन था, 3 महीने से ऊपर हो गया है, क्या मेरी हड्डी जुड़ गई है? दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि 3 महीने में लगभग हड्डी जुड़ ही जाती है और हार्ड कैलस बनने लग जाता है तो हड्डी जुड़ जाती है, लेकिन 3 महीने में पूरी तरह से हड्डी स्ट्रांग नहीं हो पाती है। इस बारे में डॉक्टर आपको बता पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर आपके सारे टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपकी या तो सर्जरी होती है या फिर आपको प्लास्टर वगैरह लगाया जाता है। तो सारी डिटेल, सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर के पास होती हैं, उसी के ऊपर आपका ट्रीटमेंट चलता है। खाली हड्डी अगर आपकी फ्रैक्चर हो गई है और सीधा जोड़नी है तो दोस्तों ऐसे नहीं जुड़ पाती है, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे चेकअप होते हैं, उसके बाद हड्डी जुड़ती है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी हड्डी जुड़ती है। तो ये सारी डिटेल आपको डॉक्टर ही बता सकता है। उसके बाद वो समय समय पर आपके एक्सरे लेते हैं, एक्सरे लेके आपको बताते हैं कि आपकी हड्डी कितनी जुड़ गई है, कितनी नहीं जुड़ी है, कैलस कितना बन रहा है, ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं डॉक्टर ही बता पाता है, क्योंकि उसके पास सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे एक्सरे हुआ, 3D स्कैनिंग हुई, इन चीज़ों से वो देखकर आपको बताता है कि आपकी हड्डी कितनी जुड़ गई है। तो प्लीज़ यार अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और समय समय पे आप एक्सरे करवाते रहिए, तो आपको एक्सरे से पता लगता रहेगा कि आपकी हड्डी कितनी जुड़ गई है। बाकी मैं बात करूँ फाइनली, तो 3 महीने में हड्डी जुड़ तो जाती है, लेकिन वही बात है कि बोन स्ट्रांग नहीं हो पाती है। स्ट्रांग होने के लिए 3 महीने से 6 महीने तक का टाइम लगता है, और कभी कभी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो 6 महीने से भी अधिक टाइम लग जाता है। और जो लोग नशा वगैरह या कुछ ऐसा करते हैं तो कई बार उनकी हड्डियां नहीं भी जुड़ती हैं और हड्डी नॉन यूनियन में चली जाती है। नॉन यूनियन से मतलब ये है कि आपकी हड्डी की जो ग्रोथ होती है, जो जुड़ने का जो प्रोसेस होता है, वो बिल्कुल रुक जाता है और वो प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए आपकी हड्डी नहीं जुड़ पाती है। उस केस में डॉक्टर दोबारा से सर्जरी करते हैं और फिर उसे सही करते हैं। तो दोस्तों आप अपनी डॉक्टर की निगरानी में ही रहिए और जो भी रिपोर्ट है आप डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको बताएगा, और समय समय पर आप अपना एक्सरा करवाते रहिए। देखो दोस्तों आप अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाएं, क्योंकि फिर आपको नुकसान हो सकता है, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। और डॉक्टर आपको बताएगा, वो आपके भले के लिए ही करेगा, जो भी करेगा, जो चीज़ें वो बताता है आप वैसा बस फॉलो करते रहिए और उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके सवाल का जवाब आपको मिल पाया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।